में सीएम योगी ने सुनी 300 लोगों की समस्या। दिव्यांगजन को त्वरित आधार पर ट्राईसाइकिल व प्रमाण पत्र देने के दिए निर्देश। कहा, दिव्यांगजन को समाज व विकास की मुख्य धारा में लाना है हमारी प्रतिबद्धता। हर समस्या के शीघ्र व गुणवत्तापूर्ण समाधान को सरकार है कटिबद्ध। वरिष्ठ अधिवक्ता हरि प्रकाश मिश्रा व वरिष्ठ पत्रकार राजीव ओझा के घर पहुंचे सीएम योगी। शंकर दयाल ओझा व ओम प्रकाश मिश्रा को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी श्रद्धांजलि। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर जिला प्रशासन के द्वारा मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का किया गया आयोजन। 1000 से ज्यादा स्कूली छात्र छात्राओं को दिलाई गई मतदाता जागरूकता की शपथ। 18 वर्ष के नए मतदाता को वितरित किया गया वोटर आईडी कार्ड। यूपी स्थापना दिवस समारोह की श्रृंखला तथा राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य विभाग ने विविध प्रतियोगिताओं का किया आयोजन। सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने कहा, बचपन से ही शारीरिक गतिविधियों का अभ्यास करता है एक स्वस्थ नागरिक का निर्माण। गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक क्षेत्र के चुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशी देवेंद्र प्रताप सिंह को विशिष्ट बीटीसी शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन ने दिया समर्थन। एसोसिएशन के प्रदेश संगठन मंत्री संजय राज सिंह ने पत्रकार वार्ता कर दी जानकारी। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर बुधवार को राप्ती नदी के तट पर शिल्प कलाकारों ने रेत से उकेरा भारत माता, चंद्रशेखर आजाद व अमर सपूतों की प्रतिमा। गोरक्ष प्रांत के प्रांत महामंत्री मंगलेश श्रीवास्तव ने कहा, हम सभी को करना चाहिए अपने राष्ट्र से प्रेम। जब तक नहीं होगा राष्ट्र प्रथम, तब तक कुछ नहीं कर पाएंगे अपने जीवन में। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र वंदन समिति ने निकाली तिरंगा यात्रा। महामंत्री दुर्गेश त्रिपाठी ने कहा, अमर शहीदों को याद कर अपने नौजवानों में उनके आदर्श मूल्यों को स्थापित करने का कर रहे हैं प्रयास। उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस के अवसर पर चल रहे कार्यक्रमों के तहत रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में कबड्डी प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी ने कहा, गुरुवार को साइकिल दौड़ व क्रिकेट प्रतियोगिता का किया जाएगा आयोजन। सभी विजयी खिलाड़ियों को किया जाएगा सम्मानित। पठान फिल्म के रिलीज के अवसर पर सिनेमा हॉलों पर फिल्म देखने के लिए दर्शकों की भारी संख्या में उमड़ी भीड़। फिल्म देखकर निकलने वाले दर्शकों ने कहा, फिल्म में नहीं कहीं दिखाया गया है कोई गलत सीन, जरूर एक बार देखें फिल्म पठान। और जनपद में कुछ दिन पहले हुई बारिश से बुधवार की सुबह सड़कों पर बना रहा कोहरा। जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने कहा, अगले कुछ दिनों में कहीं कहीं पर हो सकती है छिटपुट वर्षा। सड़कों पर सुबह के समय रहेगा कोहरा।